हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 13.1 ना मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 3 का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछाना चाहता है ना। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 80 सेंटीमीटर हो। देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा उलट फिर कर दिया है। बोलता है कि लंबाई 25 सेंटीमीटर, एक्चुअली में क्या होना चाहिए, लंबाई 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, चूँकि लंबाई ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर। चलिए, जो भी हो तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेंगी, कच्चा चित्र बनाकर हल करें, है ना। तो क्या किए हम, यहाँ पर एक कच्चा चित्र बना लिए। मान लिए आंगन है जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, और ये ईंट है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर है। तो इसी को हल करने से पहले क्या करेंगे, पहले दिया है लिख लेते हैं। दिया है आंगन की लंबाई 20 मीटर। तो देखिए, क्योंकि एक मेरा यहाँ 25 सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पर मीटर में दिया हुआ, तो इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे कि दोनों को एक यूनिट में बदल लेंगे, है ना। एक यूनिट में, यानी अगर सेंटीमीटर में है तो उसको भी सेंटीमीटर में बदल दिए, या इसको भी मीटर में बदल दिए। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलना आसान होता है, क्योंकि उसमें पॉइंट का झंझट नहीं होता, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए, इसको देखिए 20 मीटर आंगन की लंबाई बराबर 20 मीटर देके रखा है, तो इसको क्या करते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 20 मीटर में 2000 सेंटीमीटर, यानी 2000 सेंटीमीटर, तथा चौड़ाई कितना 15 मीटर, है ना, 15 मीटर, तो 1500 सेंटीमीटर। अब लिख लेते हैं ईंट की लंबाई, क्या लिख लेते हैं, ईंट की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई, ना चौड़ाई बराबर 80 सेंटीमीटर, ना तो ईंट की संख्या बराबर वाट, तो ईंट की संख्या निकालना है, तो ईंट की संख्या बराबर वाट। तो क्या करेंगे, पहले हम आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो अब इसका देखिए हल करने में पहले क्या करेंगे, आंगन का क्षेत्रफल, है ना, आंगन का क्षेत्रफल, चूंकि आंगन में बैठाना है ईंट को, तो आंगन का क्षेत्रफल से ईंट का क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा वही मेरा, है ना, वो आंसर हो जाएगा। तो आंगन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आंगन का क्षेत्रफल एल इंटू बी, चूँकि क्या है, आयताकार है ना, तो L इंटू बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा ना, L मेरा कितना है 25 सेंटीमीटर, नहीं बी 2000 सेंटीमीटर, तो 2000 गुना बी कितना है, क्वेश्चन में देखिए 1500, ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुना 30 आ गया, और यहाँ पर 30 3 2 5 0, 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हुआ मेरा आंगन का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे हम, है ना, इसका ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल भी वही होगा। देखिए, एक्चुअली में ईंट क्या है, ये घनाभागर है कि नहीं, लेकिन हमको इससे ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, इसी को हमको यहाँ पर एज इट इज़ बैठा देना है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ये समतल में बैठेगा आंगन में, तो हमको ऊंचाई से कोई लेना देना तो है नहीं। तो देखिए, नीचे वाला जो है ना, इसका सरफेस जो होता है वो आयताकार होता है, तो आयताकार होता है, तो आयताकार, आयत का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई इसका कितना है 25 और चौड़ाई 80, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 25 गुना 80, 8 5 4 10 हो गया, 8 5 40 का 0, 8 16 4 20, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हमको निकालना है ईंट की संख्या, लिखेंगे इसीलिए ईंट की संख्या, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल मेरा आया 30 1 2 3 4 5 0 बटे, है ना, ये क्या हो जाएगा, ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल मेरा कितना है 2000, 30 का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 15 गुना 30,
1500 यानी मेरा कितना आ गया 1500। तो लिखेंगे अतः ईंट की संख्या बराबर 1500 आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार दिया है कि एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 6000 वर्ग मीटर है, यानी 6000 मीटर स्क्वायर, तथा ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस खेत का आधार ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कोई त्रिभुजाकार खेत दे के रखा इस तरह से, और उसका ना ऊंचाई दे के रखा 60 मीटर, ये वाला कितना है ये 60 मीटर, और क्षेत्रफल भी दे के रखा है, एरिया एरिया कितना दिया 6000 वर्ग मीटर। तो हमको ये वाला ना बेस निकालने बोलता है, आधार निकालने बोलता है। तो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं कि 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो पहले इसका तरीका से लिख लेंगे सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन में क्या गिवन लिख लेंगे, दिया है, इसको सॉल्यूशन को बाद में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। दिया है ना आयताकार, हाँ त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 6000 मीटर स्क्वायर, तथा ऊंचाई भी दे रखी रखा है 60 मीटर, ना हमको निकालना क्या है आधार। तो लिखेंगे इसीलिए आधार बराबर वाट। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। सॉल्यूशन त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है। नहीं, अब क्षेत्रफल हमको देखे रखा है 6000, तो यहाँ पर उसकी जगह में दे देते हैं 6000, और बराबर 1/2। तो फॉर्मूला से बी हमको देखे रख, बी नहीं दिया हुआ, हमको बी निकालना है ना, आधार बेस, ठीक है। और ऊंचाई देखे रखा 60 मीटर, हमको निकालना है बी। अब देखिए जिसको है ना दिक्कत आता होगा, पूरे को इधर टर्म को लेके आ जाते हैं ना, तो यहाँ से काट सकते हैं, तो क्या हो गया 30, यानी 30 बी बराबर कितना हो गया 6000, ठीक है। हमको निकालना है बी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 6000/30, 0 0 का कैंसिल आउट, 3 × 2 = 6 यानी 200, है कि नहीं। तो लिखेंगे अतः खेत का आधार बराबर 200 मीटर आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है।